गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक फिक्स्ड कॉस्ट। वी नो दैट देयर वाज टोटल कॉस्ट व्हिच इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्टली आई विल डिस्कस विद यू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, देन आई विल डिस्कस विद यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इंटू प्राइस ऑफ द फैक्टर। द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स आर कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। The fixed cost is equal to unit of fixed factor into price of the factor। अगर हम बात करें fixed cost की, तो fixed cost कौन सी cost होती है? वो cost जिस पे क्या होते हैं, fixed inputs होते हैं। Like अगर हम बात करें factory के rent की, तो factory का rent है जो, वो एक fixed cost है। आप production 100 units की करो या फिर 0 करो या फिर 1000 units की करो, rent क्या है आपका, फिक्स्ड है, वो तो आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। देन नेक्स्ट इज टेबल, यूनिट्स ऑफ आउटपुट देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 है या फिर 8 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आपकी 10 रुपीज़ ही है। तो यही हमें बताती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कि हम एक यूनिट प्रोड्यूस करें, 0 यूनिट प्रोड्यूस करें या फिर कितनी भी अनलिमिटेड यूनिट्स प्रोड्यूस करें, जो हमारी कॉस्ट है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। इसे हम बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री और इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट की, लाइक इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, सैलरी ऑफ एडमिन स्टाफ, एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, एक फिक्स्ड कॉस्ट की टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करें टेबल के बाद हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट का टेबल है, 0 आउटपुट थी या फिर 8 आउटपुट है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10 ही है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा, ऐसे कांस्टेंट जा रहा है वो, आउटपुट कितनी भी है आपकी कॉस्ट क्या है, रुपीज़ 10 है। तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस मीन्स आपका एक ओ एक्सिस और एक ओ वाई, देखो ओ वाई तो ऊपर है और ओ एक्सिस नीचे है, तो आपका कर्व क्या है, ओ एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल ओ एक्सिस के साथ साथ चल रहा है। ये थी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट टाइप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है जो, वो आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर। जितनी आपकी आउटपुट अधिक होगी, उतनी आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो जैसे हम फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते थे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज़ वन विच वेरीज ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट अराइज। जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ती जाती है, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है वेरिएबल कॉस्ट का। यूनिट्स ऑफ आउटपुट 0 है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है। आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस की तो आपकी कॉस्ट आई 10 रुपीज़। जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होती गई, आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती गई। तो ये हमें क्या बताती है, कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके साथ रिलेटेड है, हमारे आउटपुट के साथ। तो वेरिएबल कॉस्ट का जो हमारा कर्व है वो कुछ ऐसे बनेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, 20, 30, 40 और यूनिट्स हमारी 1, 2, 3, 6, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक साइड हमारी आउटपुट है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमारी क्या है, कॉस्ट है। जैसे जैसे हमारी यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रही हैं, हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी है जो, वो दोनों कॉस्ट को कंसीडर करती है, फिक्स्ड भी प्लस वेरिएबल भी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो टोटल कॉस्ट हमारी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसका हमने टोटल किया तो क्या आ गई, टोटल कॉस्ट। तो इसका कर्व है जो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का तो कॉन्स्टेंट ही हॉरिजॉन्टल है, टोटल कॉस्ट का ऐसे ही जा रहा है। और क्या करना है तुम्हें, एक पॉइंट समझना है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है वो हमारा बिल्कुल सेम होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो दोनों कॉस्ट आ जाती हैं ना, फिक्स्ड भी वेरिएबल भी, इसीलिए ये चेंज होता है, जबकि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज कॉस्ट।
Average cost is the cost per unit of output. It is the total cost of producing any given output, fixed by or divided by number of units produced. Average cost कैसे calculate करते हैं? Total cost को divide कर देते हैं number of units के. Number of units means quantity के साथ. अब जैसे हमने पहले तो total cost की थी, total cost में मैंने आपको total fixed cost करवा दी, total variable cost कर दी. इसमें आपने क्या समझना है? अब टोटल कॉस्ट हो चुकी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब मैं आपको समझा रही हूँ एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट में भी मैंने आपको बता रही हूँ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फर्स्ट है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. हमें पता है कि जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे हैं जब, तो हम करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. जब हम करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की एवरेज चाहिए होती है तो हमें उससे पहले उसका टोटल चाहिए. अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए. अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता करनी है. अब हम करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का टेबल और फिर इसका करेंगे हम कर्व. यूनिट्स ऑफ आउटपुट है आपकी 1 से 8. फिक्स्ड कॉस्ट देखो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से हमें चाहिए, तो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कितना किया था? 10 किया था. तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो ये हमारी टोटल 10 10 10, लेकिन हमें चाहिए एवरेज. एवरेज करने के लिए हम क्या करते होते हैं? नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ हम डिवाइड करते हैं. तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 10 10 upon 1 10 10 upon 2 5 10 upon 3 3 upon 3 10 upon 4 2.5 10 upon 5 2 10 upon 6 1.7. ऐसे हम करते जा रहे हैं तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आती जा रही है. लेकिन आपने इसमें क्या समझना है? एक चीज़ समझना है. देखो हमारी टोटल फिक्स तो रह रही है कांस्टेंट, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर रही है? पहले तो वो डिक्रीज हो रही है. देखो 10 से 5 आ गई, फिर 3 2 2 1 1.4 1.2. तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. लेकिन इसमें देखो एक ध्यान से समझने वाली बात है, पहले वो ज़्यादा स्पीड पर डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज होना स्टार्ट कर रही है. कैसे? पहले देखो 10 से 5 कितना गैप, कितनी गिरी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन फिर 3 फिर 2 फिर 1.4 फिर 1.2. मीन्स पहले तो वो इंक्रीजिंग रेट पर कम हो रही थी, लेकिन आगे आगे वो डिक्रीजिंग रेट पर कम होने लगी. मीन्स कि अब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी. इसके लिए हमारा एक लॉजिक क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू कॉस्ट, डिक्रीजिंग रिटर्न टू कॉस्ट. वही फंडा है जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है. पहले अधिक घट रही थी और फिर थोड़ी कम घटने लगी. कैसे? समझो, देखो इसमें क्या है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. इट इज़ कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग कर्व एज टोटल आउटपुट इंक्रीजेज, बट इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस. इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्यों? क्योंकि वह एक्स एक्सिस को टच नहीं करता. इसलिए हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. नेक्स्ट है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या चाहिए? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी. इसका हम टेबल भी देखेंगे, ऐसे ही डायग्राम भी देखेंगे. पहले टेबल देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट में मैंने बताया था कि ये तो बढ़ेगी भी घटेगी भी, ठीक है, इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी. यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. सेम कैलकुलेट करेंगे, टोटल से हम क्या निकालेंगे? वो एवरेज निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट के साथ. जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है. इसमें लग रहा है पहले हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है. कैसे? देखो 10 से 9 पर आ गई, फिर 8 पर, फिर 7 पर, फिर 6.4 पर, 6.3 पर डिक्रीज हो रही है ना. लेकिन फिर क्या हो गया? फिर इसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया. 6.3 से चली गई 6.6 पर, फिर चली गई 7.8 पर. ये क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न
ऑपरेट्स। यहाँ पर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होने के बाद इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है वो ऑपरेट हो चुका। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हमारा क्या बताता है कि जैसे जैसे आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाती है, आपकी कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाती है। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट्स हो गया, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट डायमेंश हो गई थी, लेकिन ये कुछ टाइम तक ही चला। आफ्टर अ पॉइंट लॉ ऑफ डायमेंशिंग रिटर्न सेट हो गया। डायमेंशिंग रिटर्न मीन्स हमारी रिटर्न डिक्रीज होने लग गई और हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लग गई। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है जो, पहले वो डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होना क्यों स्टार्ट कर देती है, वो हमारी करती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से। तो ये हमारा कंसेप्ट था टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक है, एवरेज कॉस्ट का आप कर्व देख लो, यू शेप होता है, वही चीज़ आ गई एवरेज कॉस्ट में, तो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देन हमारा एक छोटा सा और टॉपिक बचा है, वाई इज़ द शॉर्टर एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, ये यू शेप क्यों है। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज कॉस्ट होता है यू शेप, तो यू शेप क्यों है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, जैसे हमारी टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती थी, फिक्स्ड भी प्लस वेरिएबल भी, ऐसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट में भी दोनों आती हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में ही मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसकी वजह से ही हमारी कॉस्ट है जो पहले डिक्रीज होती है फिर इनक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो एट द एंड हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इसीलिए ही यू शेप होता है, क्यों, क्योंकि दोनों कॉस्ट को कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट। थैंक यू।